डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसका फोर्थ चैप्टर करेंगे, जिसका टाइटल है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। एंड दिस चैप्टर हैज बीन रिटन बाय विक्टर कैनिंग, एंड दिस इज़ वेरी अमेजिंग स्टोरी अबाउट अ थीफ हुज नेम वाज फॉरेस्ट एनबी एंड हु वाज कंसीडर्ड एंड रेस्पेक्टेबल एंड ऑनेस्ट पर्सन, बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। एंड ही was a businessman and he would make locks and he was very successful in his business. He had two helpers at his hand and actually he would rob a safe once in a year to meet the expenses of expensive books which he loved very much to read, and that's why he would rob once in a year to buy those rare books. And once he was kept in a prison library for as a punishment, but he did not mend his ways and he continued robbing the safe once in a year. And although he was considered honest person and a respectable person, but he was not completely honest or respectable, because after all he was a thief, and a thief is a thief whether he would steal in a year or steal daily, it does not matter, both the things are same. But he was cheated by another thief, and how he was cheated, what happens to him, we'll read in this story. So let's start. Everyone thought that Horace Danby was a good honest citizen. हर कोई सोचता था कि Horace Danby बहुत ही अच्छा और ईमानदार नागरिक है. He was about 50 years old and unmarried and lived with a housekeeper who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. He made locks and was successful enough at his business to have two helpers. Yes, Horace Danby was good and respectable. So housekeeper means maid, मान लो एक वन caretaker, मान लो जो किसी की care करता हो, तो housekeeper हो गया. जो घर के अंदर जो नौकर चाकर होते हैं, जो servants होते हैं, उसे हम housekeeper बोलते हैं. तो here we understand that Horace Danby was a good and honest citizen. He was 50 years old and he was a bachelor. He would live with a housekeeper, and the housekeeper was worried about his health. Actually, he most of the time was well and healthy, and he was very happy except for attacks of hay fever in summer. हमेशा अच्छा रहता था, खुश रहता था, लेकिन कभी कभार उसे गर्मियों के अंदर जो hay fever के attacks जो हैं तो उसे होते थे, यानी गर्मियों के अंदर उसे hay fever आता था. हे फीवर में क्या होता है, बहुत जोर की जो है छींक चलती है इसके अंदर और नाकों से पानी बहना स्टार्ट हो जाता है. नोज स्टार्ट्स रनिंग एंड फीवर इज देयर. ही मेड लॉक्स एंड वो सक्सेसफुल. उसका ताले बनाने का काम था, लॉक्स बनाने का काम था, अपने बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा सफल था. दो हेल्पर्स उसके पास में थे. यस, Horace Danby वॉज गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. इस तरीके से वी कम टू नो दैट Horace Danby वॉज good and respectable, but he was not completely honest. 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 15 years ago, Horace ने जो अपनी पहली जो सज़ा है वो जेल की लाइब्रेरी में काटी थी उसने. That was the only sentence. He loved rare, expensive books. उसे रेयर और जो एक्सपेंसिव बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद थी. सो ही रोब्ड ए सेफ एवरी ईयर. इसलिए हर साल वो एक तिजोरी एक लूटता था. ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू स्टोर इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स एंड सीक्रेटली बोट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट एंड टू कैरी आउट हिज प्लान. ही वुड मेक हिज प्लानिंग थ्रू आउट द ईयर. ऐसा नहीं था कि वो एकदम से किसी घर में घुस जाता था और वहाँ पर लूटपाट करता था, ऐसा नहीं था. वो अपनी पूरी योजना बनाता था थ्रू आउट द ईयर.
क्योंकि उसे साल में एक ही चोरी करनी होती थी, इसलिए वो क्या करता था पूरी साल लगभग मान के चलो कि साल के 11 महीने या 11.5 महीने वो अपनी पूरी योजना बनाता था, प्लानिंग करता था। और बाद में वो जब उसकी प्लानिंग पूरी हो जाती थी, ऑब्जर्वेशन पूरा हो जाता था, साइट को अच्छे से देख लेता था, उसके बाद में वो उस घर में घुसता था चोरी करने के लिए एंड सीक्रेटली बोर्ड द बुक्स। और चोरी करने के बाद जो पैसा उसके हाथ में आता था उससे वो चीज़ें खरीदता था। क्या खरीदता था? बुक्स खरीदता था, अथवा वो बुक्स खरीदने के अलावा हाँ वो एक्सपेंसिव बुक्स खरीदता था एक एजेंट के माध्यम से। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन ही फेल श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। और इस प्रकार से जुलाई सनशाइन में खुली धूप के अंदर खिली हुई धूप में घूमते समय उसे यकीन था कि इस बार की जो लूटपाट है वो भी उतनी सक्सेसफुल होने वाली है जितनी कि पहले की लूटपाट थी। फॉर 2 वीक्स ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शोटोर ग्रीन। शोटोर ग्रीन में द हाउस जो था उसको अच्छे से वो स्टडी कर रहा था, लुकिंग एट इट्स रूम, इसके रूम्स को देख रहा था, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इसके इलेक्ट्रिक वायरिंग को देख रहा था। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो ओरिस डैनबी था वो अच्छे से ऑब्जर्व करता था, स्टडी करता था उस प्लेस को, उस घर को जहाँ पर उसे लूटपाट करनी होती थी। एंड इट्स वो इलेक्ट्रिक वायरिंग को भी देखता था, कमरे की हर एक साइड को, गार्डन को, पाथ्स को, गार्डन को, हर तरीके से। दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज व्हाइल द फैमिली वॉज इन लंडन हैड गॉन टू द मूवीज। Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. Ab is prakar se usne observe kiya tha, he found that the servant of the house had gone to see a movie and Horace Danby saw them go for movie. Then he came out from the behind the garden wall. और बड़ा खुश था, ही वॉज वेरी हैप्पी, ही हैड पैक्ड ऑल हिज टूल्स इन ए बैग ऑन हिज बैक। और बहुत खुश था वो, सिर्फ उसके नाक में कुछ टिकल हो रही थी, टिकल का गुदगुदी हो रही थी और वो हे फीवर के कारण हो रही थी। और बड़ा खुश था कि नाउ द सर्वेंट्स हैड गोन टू सी अ मूवी एंड ही गोट द राइट अपॉर्चुनिटी ओवर देयर। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the green safe. और उस हाउस के अंदर जो अलमीरा थी, जो सेफ थी, तिजोरी थी, उसके अंदर 15,000 pounds की कीमत वाले गहने थे। If he sold them one by one, he expect to get at least 5,000. अगर उन्हें एक एक करके वो बेचता है तो उसको 5,000 कम से कम मिलेंगे, उसे 5,000 मिलेंगे। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, जिससे वो अगले वर्ष साल भी जो है खुश रहेगा। देर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन ऑटम। ऑटम के अंदर 3 नई बुक्स आ रही थी, इंटरेस्टिंग बुक्स मार्केट में बिक्री के लिए। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाई दैम। अब इस तरीके से ही विल गेट सम मनी टू बाई दोज बुक्स। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन ए हुक आउटसाइड। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, टुक द की एंड ओपन द डोर। अब उसने क्या किया कि पहले तो उसने हाउस कीपर को देखा था, किचन डोर के ऊपर जो हुक था बाहर की तरफ उसमें चाबी को लटकाते हुए देखा था। उसने अपने ग्लव्स पहने, चाबी को लिया वहाँ से और उसने दरवाजे को खोला। और वो बहुत ही सावधान था, ही वॉज वेरी अलर्ट एंड डिड नॉट वॉन्ट टू लीव एनी टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट्स। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, किचन के बीच में वहाँ पर किचन में एक जो था डॉग लेटा हुआ था। इट्स टर्ड मेड नॉइस एंड मूव्ड इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे। ये थोड़ा सा हिला, इसने मूवमेंट किया, कुछ शोर शराबा किया, इसके बाद में वो फ्रेंडली वे से अपनी पूंछ को हिलाने लगा। ऑल राइट शेरी, हॉरिस सैड एज ही पास्ड, ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव। According to Horace Danby, he thought that dogs could be quieted if they are addressed with their right names and showed them love. मानता था Horace Danby कि अगर डॉग्स के प्रति हम प्यार दिखाएं और उनको सही नाम से बुलाएं तो हम उनको शांत कर सकते हैं।
The safe was in the drawing room, behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room, and in a small house, books were better. When Horace Denby saw the pictures in the drawing room, he thought that these paintings are very rare, and instead of books, he must go for the pictures. But his room was very small, and he could not keep those pictures over there. So he decided to go for books. तो उसने सोचा कि बुक्स ही खरीद लेते हैं क्योंकि पेंटिंग्स के लिए जगह ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसलिए उसने क्या किया कि बुक्स ही खरीदनी है. देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर एक फ्लावर पॉट रखा हुआ था. एंड होरेस पैट इज नोज टिकल. होरेस ने फील किया कि उसके नाक में गुदगुदी हो रही है. ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servants returned. उसने थोड़ा सा उसने छींका, स्नीज किया, और उसने जब तब उसने बैग को नीचे रख दिया. उसने बड़ी केयरफुली के साथ में अपने टूल्स को अरेंज किया. उसके पास नौकर आने से पहले 4 hours थे. The safe was not going to be hard to open, and after all he had lived with locks and safes all his life. Horace Denby के अनुसार जो है उसको सेफ को खोलना उसके लिए कोई कठिन काम नहीं था, क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी लॉक्स के साथ में, सेफ्स के साथ में उसने बिताई. द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट. ही वेंट इन द हॉल टू कट इट्स वायर. जो बर्गलर अलार्म थी वो बहुत ही पुअरली बिल्ट थी, कोई ज़्यादा क्वालिटी अच्छी क्वालिटी नहीं थी, इसलिए वो जो है हॉल में जाता है उसको तार काटने के लिए. He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. वो वापस आया और उसने ज़ोर से छींका उसने, क्योंकि फ्लावर्स की जो स्मेल थी वो उसके नाक में जा रही थी. How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. अकॉर्डिंग टू होरेस डेनबी, लोग कितने मूर्ख होते हैं जब उनके पास में वैल्यूबल थिंग्स होती हैं, होरेस ने सोचा. एक मैगजीन आर्टिकल ने तो घर का पूरा उसने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, जिसमें सभी रूम्स के बारे में उनकी पिक्चर्स दी गई थी, और राइटर ने यह भी बता दिया था कि जो सेफ थी, जो तिजोरी थी, वो एक पेंटिंग के पीछे छुपी हुई थी. बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क. ही बरीड हिज नोज इन हिज हैंडकरचीफ. लेकिन होरेस को लगा कि जो फ्लावर्स हैं वो उसके काम में जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो उसने अपना नाक जो अपनी हैंकी में दबा लिया. देन ही हर्ड अ वॉइस फ्रॉम अवे, वॉइस फ्रॉम द डोर वे. व्हाट इज इट, अ कोल्ड और ए फीवर. तभी अचानक उसने दरवाजे दूर से दरवाजे के पास से एक आवाज़ को सुना, जिसने कहा कि ये कोल्ड फीवर है, ये कोल्ड है या हे फीवर है. बिफोर ही कुड थिंक होरेस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन. इससे पहले कि होरेस डेनबी को सोच पाता, उसने कहा कि यह हे फीवर है, और उसने दोबारा से अपने आप को छींकते हुए पाया. द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद स्पेशल ट्रीटमेंट. यू नो इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज. और उस आवाज़ ने अपना कहना जारी रखा कि तुम इस स्पेशल ट्रीटमेंट के द्वारा इस बीमारी से अपने आप को जो है फ्री कर सकते हो. अगर तुम जानो, तुम जान पाओ कि तुम्हें कौन से प्लांट से डिजीज़ होती है. कहने का मतलब उसे एलर्जी थी, तो एलर्जी का सबसे बड़ा इलाज है कि उसे पता चल जाए कि कौन से प्लांट से उसे एलर्जी होती है. इसके बाद में क्या होता है कि आई थिंक यूड बेटर सी ए डॉक्टर. और मैं सोचती हूँ कि तुम्हें ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए. If you are serious about your work, अगर तुम अपने काम के को लेकर के बड़े ही सीरियस हो. I heard you from the top of the house just now. मैंने अभी भी तुम्हें घर के टॉप से तुम्हें यहाँ पर सुना. It was a quite kindly voice, but one with firmness in it. यह एक बिल्कुल खामोशी वाली, दयालुता वाली आवाज़ थी, लेकिन इस आवाज़ के अंदर firmness थी, यानी कि मजबूती थी, दृढ़ता थी. A woman was standing
इन द डोरवे, दरवाजे के बीच में वो स्त्री खड़ी हुई थी। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, शी वॉज यंग क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन एंड द ऑर्नामेंट्स देयर। सो द लेडी हु वॉज वेयरिंग रेड ड्रेस, शी वॉज स्टैंडिंग ओवर देयर एंड द पेट डॉग हुज नेम वॉज शेरी वॉज रबिंग इटसेल्फ अगेंस्ट हर एंड showing her love. And the lady was young and quite pretty. She walked to the fireplace and he arranged the ornaments over there. Down Sherry, she said, anyone would think I had been away for a month. She has smiled at Horace and went on, however, I came back just in time, thought, though I did not expect to meet a burglar. और द लेडी आस्क द डॉग टू सिट डाउन, उसका नाम लेकर के बुलाती है कि बैठ जाओ। एंड उसने कहा कि कोई भी सोचेगा कि मैं एक महीने के लिए बाहर गई हुई हूँ। और इसकी तरफ स्माइल करती है एंड वेंट डाउन, और उसने कहना जारी रखा कि मैं यहाँ आई, सही समय पर आ गई, लेकिन मैंने यहाँ पर चोर से मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी कि आऊँगी यहाँ पर चोर से मिलूँगी। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. और Horace को कुछ थोड़ी सी होप होती है, आशा होती है कि वो बच सकता था उस स्त्री से, उस लेडी से, क्योंकि ऐसा लगता था उसे कि ये लेडी उससे मिलकर के बड़ी खुश है। He might avoid trouble if he treated her the right way. इसलिए उसने सोचा कि वो ट्रबल से बच सकता है अगर वो उसे सही ढंग से उसके साथ में बातें करे। ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया, उसने जवाब दिया, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं परिवार के किसी सदस्य पर यहाँ मिलूँगा। शी नोटेड, ही रिप्लाइड, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। तो उसने चोर ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर मुझे मिलोगी। शी नोटेड, आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। तो उसने सिर हिलाकर कहा कि मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हें मुझसे मिलकर के कितनी तकलीफ हो रही है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अब तुम क्या करोगे। होरेस ने कहा कि माई फर्स्ट थाट वॉज टू रन, मेरा पहला विचार था कि मैं दौड़ जाऊँ, भाग जाऊँ। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, हाँ तुम ऐसा कर सकते थे। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, लेकिन मैं पुलिस को टेलीफोन कर दूँगी एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, और मैं तुम्हारे बारे में उनको सब कुछ बता दूँगी। दे वुड गेट यू एट वंस, वे तुम्हें एक ही बार में यहाँ से उठा ले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम, इसके बाद जो नेक्स्ट जो पैरा है वो हम अगली वीडियो में करेंगे कवर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।